बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे एक बिल्कुल स्पेशल और न्यू रेसिपी है। ये हमारे पास एक पाव मूंग की दाल है और एक कप बेसन है और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है। ये हम खट्टा पानी बनाएंगे उसके अज्जा है। ये हमारे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब इमली का पल है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून ज़ीरा है। ज़ीरा और धनिया को भूनेंगे, सौंफ को हम ऐसे पीसेंगे। 1 टेबलस्पून काला नमक है, 1/2 टीस्पून वाइट वाला नमक, 1/2 टीस्पून ये है हमारे पास टाटरी और पिसी हुई मिर्च है 1/2 टीस्पून। और ये जो दाल में हम डालेंगे ये है बारी वो 1/2 टीस्पून नमक है और ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ये इसमें डालेंगे हम। इसको हम पीसेंगे। ये हमने पीस लिया, बेसन भी डाल दिया, इसमें नमक और बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, जिसमें हमने दाल पीसी थी ना यही वाला पानी डाल के थोड़ा सा इसका अच्छा सा बैटर बना के ना 10 मिनट के लिए रख देंगे। 1 टेबलस्पून भर के सौंठ भी लेंगे हम जो पानी में डालेंगे। ये हमारे पास 3 गिलास के करीब पानी है। ये इमली का फल जो हमने निकाला था वो डाल दिया इसमें और जो ये हमने मसाला बनाया था, ये जो हमने मसाला पीसा था ये हम डालेंगे। इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, अगर कम लगेगा तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये मैंने बचा लिया है। अब इसमें हम जो वो पकौड़े बनाएंगे, इस रेसिपी का नाम मैं सबसे आखिर में बताऊंगी आपको क्या है, इसे अब ठंडा करूँगी, फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और हमारा गर्म हो गया है और ये मैं छोटे छोटे पकौड़े बनाऊँगा इसका। इसको निकाल के पहले हम डालेंगे पानी में, उसके बाद हम इस वाले जो हमने बैटर वो बनाया हुआ है ना खट्टा पानी उसमें डाल देंगे। तो ये हमने इसमें डाल दिए थे, थोड़ी सी प्याज डाल ली इसके अंदर और ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और बिल्कुल ठंडे यक करके ना इसको फ्रीज़र में रख दूँगी, थोड़े ठंडे हो जाएंगे फिर इसको खाएँगे। और इस रेसिपी का नाम है लड्डू खट्टी पानी वाले, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी, बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल रेसिपी है। शायद हो सकता है किसी ने नहीं बनाई हो या बनाई होगी तो मुझे मालूम नहीं। इंशाल्लाह फिर एक और रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।